कराची में अमन अमान का जिम्मा सदर आसिफ अली जरदारी ने उठा लिया। सदर ममलिकत का कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने का हुक्म। कलचे में अगवा में मुलविस मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी हिदायत। सदर ममलिकत की जेर सदारत शहर कायद और सिंध में अमन अमान से मुतालिक इजलास। सदर ने कहा जमीनों पर कब्जे की किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। चीनी अफराद की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इकदाम करें। पुलिस अफसरों से भरपूर काम लें। अमन अमान पर काबू पाने में नाकाम पुलिस अफसर को तब्दील कर दें। कराची के नॉर्दर्न बाईपास पर बाड़ लगाने का काम शुरू करें। सिंध काबीना और सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास तलब। आज बड़े फैसलों की मंजूरी मुतवक्के। सदर मुमलिकत और मुत्तहिदा की वफ्द में मुलाकात का रंग बदलने की बातें। एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ्द की आसिफ अली सरदारी से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और गवर्नर सिंध की तब्दीली के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। एमकेएम के अमन अवान की बहाली के लिए सदर को भरपूर तआवुन की यकीन दहानी। मुत्तहिदा कन्वीनर ने कहा सदर मुमलिकत कराची में इजलास करेंगे तो आवाम में एतमाद बढ़ेगा। गंदम की खरीदारी पर किसानों और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। काश्तकारों ने आज से पंजाब में मुजाहिरों की धमकी दे दी। अपने मवेशी और गंदम सड़कों पर रखने का ऐलान कर दिया। किसानों का कहना है कि उन्हें मार्केट के रहमोकरम पर छोड़ दिया गया। हुकूमत गंदम खरीदारी का मसला हल करने में संजीदा नहीं। बिला वजह शहबाज शरीफ की शिकायत की गई। इस बेचारे की हुकूमत ही कब है, बात उनकी की जाए जिनकी हुकूमत है और अब उनकी बात करना पड़ेगी। सरबराज यूआई मौलाना फजल रहमान का लाहौर में फलस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कैप्टन सफदर ने भी बहुत डांटा, पता नहीं हमें डांट रहे थे या अपने ससुराल वालों को। बानी पीटीआई ने बातचीत का टास्क दिया है, किसी से बात हुई तो बैकडोर या छुपकर नहीं, सबके सामने होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 92 न्यूज से गुफ्तगु। बोले मौलाना फजल रहमान का सच बोलना अच्छी बात है, उनके दिल में और भी राज हैं, खुलकर बात करें। मैंडेट हमारा चोरी हुआ फिर भी हर हल्का खोलने को तैयार है। हम माजी में नहीं जाना चाहते, अब बातें नहीं अमल होगा। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नई तहकीकात। बानी पीटीआई को नई इंक्वायरी में तलब कर लिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर कीमती तहाइफ गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने का इल्ज़ाम का अलग केस बनाया गया। उधर साबिक खातून अव्वल ने तोशाखाना तहकीकात को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। केस के हतमी फैसले तक नोटिस को मुअत्तल करने की सदा। दो रुकनी बेंच आज दरख्वास्त की समाअत करेगी। वज़ीरे आला मरियम नवाज ने पंजाब में 32 फील्ड अस्पतालों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में सियासी मुखालिफीन का नाम लिए बगैर कहा पहले कंटेनर्स जिलाओ घिराओ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हुकूमत खिदमत के लिए हो तो कंटेनर्स का ऐसा इस्तेमाल भी हो सकता है। मुखालिफीन घरों में आराम के बजाय आवाम की खिदमत के लिए निकले, कोई अच्छा काम करें ताकि आपका भी टिकटॉक बने। मजीद कहा हेल्थ कार्ड 2018 के बाद करप्शन का गढ़ बन गया था। हेल्थ कार्ड की तश्कीलें नो करेंगे। पाकिस्तान का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर अस्पताल एक साल के अंदर काम शुरू कर देगा। वजीर आला पंजाब ने बहावलपुर में पहले फील्ड अस्पताल का इफ्तिताह भी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम के दूसरे मरहले का आज से आगाज। चार सद्दा लोयर दीर मर्दान और डीआई खान में 14 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर। इंसदाद पोलियो मुहिम 6 मई तक जारी रहेगी। सऊदी अरब सूडान में कशीदगी के खात्मे के लिए सरगरम। सऊदी वजीर खाजा का सूडानी आर्मी चीफ और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के कमांडर से टेलीफोनिक राबता। फैसल बिन फरहान ने सूडानी आवाम के मुफादात में लड़ाई रोकने पर जोर दिया। पंजाबी भारतीय गुलकार सिद्धू मूसेवाला का कातिल गोल्डी बरार मारा गया, भारतीय मीडिया का दावा।
गोल्डी बरार ने सिद्धू मूसेवाला पर कातिलाना हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक गोल्डी बरार को अमेरिका में कत्ल किया गया। नामालूम अफराद ने गोल्डी बरार को घर के बाहर फायरिंग का निशाना बनाया।